देश को नंबर वन बनाना है मेरे को, पूरे वर्ल्ड में जैसे सुपर पावर बनाना है हमको, तो वो तभी बनेगा जब सारे हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बहन डॉक्टर रंजना गुप्ता हरिद्वार में रहती हैं। इस बार वो रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी, क्योंकि इस समय कथित शराब घोटाले के आरोप के चलते अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। बहन रंजना ने कहा कि जब वे बाहर आएंगे तो वे दिल्ली जाकर उनको राखी बांधेगी। वे कहती हैं कि जेल से अरविंद केजरीवाल और ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आएंगे और आकर पूरी ईमानदारी, सच्चाई और कर्मठता के साथ दिल्ली वासियों की सेवा करेंगे। केजरीवाल की बहन ने कहा कि उनके भाई का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जो ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। जैसे आईआईटी में जाना था तो दिन रात लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि भाई अरविंद केजरीवाल का अब क्या लक्ष्य है। लेकिन उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बचपन से जिस चीज के ठान लेते हैं ना वो बिल्कुल करके, जैसे आईआईटी में जाना है तो जाना है, दिन रात लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे, शुरू से वो क्लास में टॉपर रहे थे और फिर आईआईटी में उन्होंने जाके ही फिर। आपको क्या लगता है अब उनका एम क्या है, क्योंकि राजनीति में जहाँ सोच नहीं सकते थे वो वहाँ पहुँचे, दिल्ली के सीएम बने, अदर स्टेट में उनकी सरकार आई और पंजाब में आई और भी स्टेट में उनके क्या कहते हैं एमएलए आए, एमपी आए, अब आप उनका एम क्या देखती हैं? उनका एम है कि देश को नंबर वन बनाना है मेरे को, पूरे वर्ल्ड में जैसे सुपर पावर बनाना है हमको, तो वो तभी बनेगा जब सारे हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे, और सारे बच्चे तभी शिक्षित होंगे जब हमारे सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। तो एक तो सरकारी स्कूलों को अच्छा करना है और बच्चे मतलब तभी अच्छा पढ़ाई वगैरह करेंगे जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल्स को भी अच्छा करना होगा ताकि सब लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों। और थर्ड उनका है कि रोजगार देना है, कोई भी बेरोजगार ना रहे, हर युवा को रोजगार हो, सरकारी वैकेंसी सारी फुलफिल करें। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, पॉल्यूशन कम करना है, तो ये सब उनके टारगेट मतलब उनकी। और लास्ट वो भ्रष्टाचार को दूर करना, ये सब तभी हो पाएगा जब जैसे उनकी साफ नीयत की सरकार है ना, ईमानदारी से काम कर रही है, तभी तो वो इतना पैसा बचा बचा के मोहल्ला क्लिनिक्स बनवा रहे हैं, दवाइयाँ फ्री बांट रहे हैं, स्कूल में शिक्षा फ्री है, लेडीज़ की बस यात्रा फ्री है, फिर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, बिजली 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है और 300 यूनिट पंजाब में फ्री है। ये सब तभी कर पा रहे हैं ना क्योंकि वो भ्रष्टाचार, वो जो भी पैसा बचता है ना वो जनता में ही बांट देते हैं। उनका एम है कि मतलब सारे लास्ट व्यक्ति तक मतलब जो वो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की योजना है सब तक पहुँचे। आपको बता दें कि डॉक्टर रंजना गुप्ता अपने पति, एक बेटा और एक बेटी के साथ हरिद्वार के शिवालिक नगर में रहती हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।